गाइस, वेलकम टू माय चैनल निर्वाण फैमिली व्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो जी, आज है बुधवार और दोपहर का समय हो रहा है लगभग 3, तो 3 बज रहे हैं। तो मैं तो जो है ना, अभी मुझे भी आए हुए आधा घंटा होगा, तो स्कूल से आके हाथ मुँह धो के अपने बैठी थी, चिंटू का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि चिंटू के आने का समय हो चुका है। तो चिंटू भी अब थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा, तो लेकिन आज चिंटू के आने से पहले उसके पापा ही आ गए। तो अब जो है, जैसे कि आपको पता ही है, मतलब स्कूल से आकर अपना हाथ मुँह धो के पानी नहीं पी कर चाय बनाती हूँ अपने लिए। तो मैं तो चाय बनाने का समय हो ही रहा था, तो ये आ गए, तो यह कि अब मुझे दोबारा चाय नहीं बनानी पड़ेगी, वरना पहले मैं खुद अपने लिए बना कर पीती हूँ और फिर जब ही आते हैं तो तब बनाती हूँ। तो अभी आ गए, तो अभी खट्टी चाय बना लूँगी अपने लिए भी और इनके लिए भी। फिर इतना चिंटू आ जाएगा तो फिर चिंटू के लिए कुछ खाने पीने का बना लेती हूँ। तो हमारा जो है ना, किचन में वो गीजर लगाना था, तो वो कई दिन का आया हुआ रखा था, तो आज ये सोच रहे हैं कि चलो आज टाइम से आ गए हैं तो टाइम निकाल कर गीजर लगा देते हैं। तो अब ये देखिए, किचन में स्लैब पर चढ़े हुए हैं गीजर लगाने के लिए, गीजर लगी गया क्योंकि अब सर्दियों का समय हो रहा है। तो किचन में काम करती हूँ तो पानी यूज होता है, तो मुझे तो पानी लगता है ठंडा, तो इसीलिए जो है ना, बर्तन वर्तन धोने के लिए, साग सब्जी धोने के लिए गर्म पानी की जरूरत होती है, तो इसलिए मैंने तो अपने किचन में भी गीजर लगवा लिया है इस बार। तो पुराने वाले घर में तो ये था, एक गीजर से काम चल रहा था, क्योंकि उसका कनेक्शन दोनों जगह था, किचन में भी और बाथरूम में भी। अभी थोड़ा सा डिस्टेंस दूर हो गया किचन और बाथरूम का, तो इसलिए यहाँ अलग अलग गीजर चाहिए। तो बाथरूम में तो लगा हुआ था पहले से हमारा गीजर, तो नहाने के लिए, हाथ धोने के लिए पानी तो अवेलेबल था, बस किचन में नहीं था, तो इसलिए अब किचन में आज लग जाएगा, तो किचन की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी गर्म पानी के लिए। तो जी, चिंटू आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं चिंटू का इंतजार कर रही, तो मैं जूते उते निकाल के एंट्री कर लिया उसने घर में। चिंटू हेलो, हेलो बोलो। अब चिंटू आ गया, उसके पापा आ गए, तो मेरा काम होगा शुरू। अब चिंटू कपड़े वपड़े चेंज करेगा, इतना तो इतने से भी, और पानी वानी देती हूँ, और फिर जब है दूध निकाला है मैंने फ्रिज में से, अभी तो मलाई इकट्ठी हो रही थी कई दिन की, तो आज मेरा एक काम ये भी रहेगा कि मैं मलाई भी लोकर अपने घी बनाऊंगी। तो पहले, उससे पहले तो मैं चाय बना कर पीऊँगी, क्योंकि चाय पी कर थोड़ी सी एनर्जी से आ जाती है। सुबह की चाय पी रखे मैंने, स्कूल जाने से पहले पी थी, तो अब जो है ना, आते ही मेरा तो मन करता है चाय पीने का, तो पहले मैं चाय बना कर पीती हूँ, फिर बाकी के सारे काम करूँगी घर के। अब जो सभी घर में हो गए हैं, अभी इकट्ठे आ गए हैं, सबका टाइम हो गया, तो मैं तो किचन में लग रही हूँ अपने लिए चाय बनाने हैं। तो इन सभी को पानी वानी पिला कर मुझे सब बैठे देंगे, रेस्ट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। लेकिन मेरा अभी रेस्ट, अभी जब से स्कूल से आई हूँ ना, बैठी भी नहीं हूँ, क्योंकि कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, तो ये नहीं जो है पानी वानी देने में लग रही हूँ। तो पहले उसके बच्चों के पापा आए, फिर चिंटू आया, फिर गुड्डू आ गई, और अब मैं जो है ना किचन में अपनी चाय बना रही हूँ। पहले चाय पीऊँगी बैठ कर, आराम से रेस्ट करूँगी, फिर जो है बाकी का काम करूँगी। तो ये चाय उबल चुकी है, अभी ना छान देती हूँ, पलट दिया जग में, और ये जो मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी थी ना, तो इसे मैंने भगोने में डाल कर रख दिया, क्योंकि अब शाम में इसको बिलोंगी। तो अब जल्दी से जो है चाय छान लेती हूँ, तब तो चाय ले जाती हूँ, चाय पियेंगे बैठ कर आराम से। तो जब हम जो है चाय पीना शुरू करते हैं, चाय बन रही है, अब बच्चों के लिए मैंने ये रेबड़ी और मूंगफली और ये गुड़ के सेव ये सब रख दिए, और ये गज्जक रख दी, जो बच्चों का मन करेगा खा लेंगे। और दूध का टाइम होगा इनका, एक घंटे बाद पीते हैं, तो शाम में ये लगा लो 4:30-5 बजे करीब ना दूध दे दूँ, इतने जो कुछ छोटा मोटा छोटा मोटा खाएंगे वो खा लेंगे। तो अब हम भी जो है ना चाय का आनंद लेते हैं, और इसमें ला दिया है मैंने चिंटू के लिए दूध डाल। तो जी, चाय वाय पी के अब हम हो गए हैं फ्री, तो कुछ काम आ गया बाहर का, तो शाम के 5 बज रहे हैं, तो हमें जाना पड़ रहा है मार्केट, तो कुछ जो है शॉपिंग करके लानी है, शॉपिंग क्या कुछ घर का सामान लेकर आना है, कुछ जल्दी ही कुछ सरप्राइज देंगे आपको कि क्या है, तो उसका कुछ सामान लेकर आना है, तो थोड़ा ग्रोसरी का, मार्केट ग्रोसरी का भी सामान आना है, ग्रोसरी का सामान, तो चलते हैं,
क्योंकि मार्केट में भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, एक बार जाने की देरी होता है, कभी ये ले कभी वो ले कभी वो ले। जैकेट वैकेट पहन लेते, ठंड है बाहर, तो चलते हैं। तो मार्केट जा रहे हैं, हम आपको मिलेंगे वहीं मार्केट में। चलो अब चलते हैं। तो अब चल दिया, उठा लिया गाड़ी के चाबी। चिंटू आजा भाई। तो चिंटू भी रेडी हो गया। तो मेरे बेटा का पेपर था और है भी कल, तो चिंटू का पेपर भी ऐसा, अपने पेपर की भी तैयारी करनी है और बीच बीच में कुछ काम भी आने लग रहे हैं। ऐसे पापा ऐसे यूँ डांट रहे हैं, तूने अभी तक कपड़े नहीं पहने, तूने अभी तक जूते नहीं पहने, लेकिन चल बेटा आप पहन ले। तो ये थोड़ा सा बिजी हो रहा था, अपना स्कूल का काम कर रहा था, तो ये थोड़ा सा लेट होगा इसलिए। गाइस हम बैठ गए हैं हम गाड़ी में, गाड़ी चलने लगी है, अब चल रहे हैं मार्केट में। तो जो जो हम सामान लेके आना है वो ले आते हैं। तो शाम के बज गए हैं 5 और दिन ढल गया, एकदम ऐसा हो गया छाया से, पर जो काम जरूरी है वो करना पड़ता है। तो गाड़ी पार्क कर दी है, अब चल दिए हम। चल चिंटू। ये सामान लेना आ गया, हम ग्रोसरी का सामान ले रहे हैं। चलो चीनी और तुलवा लो। तो ये जा रहे हैं, इधर का सामान ले लिया है किचन का। अब थोड़ा सा इन बच्चों के लिए नमकीन वगैरह लेने जाते हैं, क्योंकि चिंटू को ना जब ये फ्री होता है तो उसको नमकीन बिस्किट चाहिए होते हैं। तो चल गया अपने सेक्शन में, जाया हर बार जाता है। तो देखिए चिंटू जो है अपने पसंद के बिस्किट ले रहा है। ये बिल कराने लगे हैं हम यहाँ, और ये फिर वापस चले गए हैं बच्चे चॉकलेट के सेक्शन में। बच्चे ले रहे हैं सारी अपने पसंद की चीज़। क्या क्या ले लिया बच्चों? अच्छा क्या है? अच्छा पी ले लो। तो ये सारा सामान ले लिया है हमने घर का, अब इसका बिल करा लेती हूँ। इतना ये बच्चे भी अपनी एक आधी और मनपसंद चीज़ देख रहे हैं। तभी तो और सामान देख रहे हैं कि ना और क्या क्या लेना है। Thank you.
तो जी हम जो है ना चिंटू के कपड़े खरीदवाने के लिए आए हैं। और चिंटू जरा मुझे ड्रेस दिला दो क्योंकि मौसम शुरू हो गया सर्दियों का, तो सर्दी के कपड़े लेने के लिए आया है। तू भी आ गई है साथ, गुड्डू तू भी ले आई कुछ? चल देख लो, दोनों बहन भाई देख लो तुम्हें जो लेना है। अब मैं भी जा रही हूँ, देख लूंगी इन्होंने क्या क्या सिलेक्ट किया है। तो जी शॉपिंग तो अभी कुछ हुई नहीं है देखिए, लेकिन मुझे तो मार्केट में देखिए गोलगप्पे के शॉप, तो मतलब जब मैं मार्केट में जाती हूँ मुझे तो गोलगप्पे पसंद है, तो मैं चली हूँ सिर्फ गोलगप्पे के शॉप पे अपने गोलगप्पे खाने। दिखा चिंटू कैसा लग रहा है? दिखा चिंटू, अपनी पैंट सेलेक्ट कर रहा है, टी शर्ट तो इसे भी समझ आई नहीं, कई शॉप पर घूम लिए। तब नाप लिया जा रहा है चिंटू का, तो चिंटू के लिए जो है ना पैंट खुले जा रहे हैं, जो जो सब पसंद आएगी जीन्स पैंट, तो कई तरह के दिखा रहे हैं दुकान वाले अंकल। अब चिंटू जा रहा है अपने टी शर्ट देखने के लिए। आगे हैं दूसरी साइड, चिंटू के कपड़े ले लिए हैं, अब जा रहे हैं किसी और दूसरी शॉप पर। अंधेरा हो गया,
तो जी मार्केट से हम आ गए वापस अपने घर, तो 9 बज गए, 9 बजे का समय हो रहा है, तो इतना टाइम लग गया मार्केट में घूमते घूमते, कभी ये लो कभी वो लो, तो कई घंटे में शॉपिंग होकर निपटी है। तो जी और अब जो है ना आकर इतने थक गए हैं, और अब जो है सुबह की तैयारी करने जाने की। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। यदि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।